हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कल की 2898 मूवी के बारे में। इसकी एंडिंग स्टार्टिंग एवरीथिंग मैं रिवील करने वाली हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है महाभारत युद्ध के एक सीन से, जहाँ पे अश्वत्थामा ने उत्तरा जी को एक तीर मार दिया। तो कृष्ण जी ने गुस्से में आके उनसे उनकी मनी छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि भाई जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा तब तक तुम जीवित ही रहोगे। एंड कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि जब पापों का घड़ा भर जाएगा और पुण्य कहीं भी नहीं होगा तब मेरा कल्कि अवतार लेने का वक्त आएगा और उस वक्त तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। सो यहाँ पे महाभारत का सीन खत्म कर दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि टाइम कैसे पास हो रहा है, बिकॉज 6,000 साल बाद भगवान जी आएंगे अवतार लेके। तो तब तक वर्ल्ड कैसे मॉडिफाई कर रहा है ये सब दिखाया जा रहा है। एक कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है जहाँ पे सारे ऐसे आराम की जिंदगी है, जो भी अमीर लोग हैं वो वहीं रहते हैं और जो भी गरीब हैं बेसहाय हैं वो बेचारे, उनके पास ना खाने को खाना है ना पीने को पानी है। और बहुत सारे आम लोगों का सपना होता है कि वो भी कॉम्प्लेक्स में जाके ऐशो आराम वाली जिंदगी जिए। बेसिकली ये दिखाया जा रहा था कि कलयुग कैसा होने वाला है। तो मेनली यहाँ पे तीन जगह दिखाए गए, कॉम्प्लेक्स, संबाला और काशी। काशी जो है वो लास्ट शहर बचा हुआ था पृथ्वी पे। कॉम्प्लेक्स का तो मैंने बता ही दिया, ऐशो आराम वाली जिंदगी वहीं पे थी। और जो संबाला था वो कॉम्प्लेक्स वालों से छुपा हुआ था, मतलब कॉम्प्लेक्स वालों को उस शहर का रास्ता नहीं पता था कि संबाला कहाँ पे है, कैसा है। वो अंडरग्राउंड टाइप का आप एक समझ सकते हो, एक सिटी था। कॉम्प्लेक्स का जो कमांडर था मानस, वो संबाला का पता जानना चाहता था। तो उसके लिए उसने वहां की जो हेड थी, संबाला की हेड जो थी मरियम, उससे पूछा कि भाई बता दो, नहीं तो हम वहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिनका नाम दिव्या था, नहीं तो हम उसको मार देंगे। एट लास्ट उन्हें नहीं बताया गया तो उन्होंने दिव्या को मार दिया। वहां पे ये सीन क्लोज हो गया। कॉम्प्लेक्स में एक लैब था जहाँ पे वुमेन्स पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। गली है ना, उनके सीड्स को वुमेन्स के बॉडी के अंदर इंसर्ट करके उसे फर्टिलाइज करा जा रहा था। बट कोई भी सीड 120 डेज से ज्यादा किसी भी लेडीज में ग्रो नहीं कर पाया था। या तो वो लेडी मर जाती थी या फिर वो बच्चा मर जाता था या फिर दोनों ही मर जाते। उनका मेन मोटो जो भी सीड 120 डेज से ज्यादा ग्रो कर जाए उसका सीरम उन्हें एक्सट्रैक्ट करना था, वो सुप्रीम को चाहिए था। तो एक बार एक लेडी को 98 डेज तक उसके अंदर वो सीड ग्रो किया। तो उन्होंने सोचा कि उससे सीरम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। सीरम एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद वो लेडी मर गई। उसके बाद वो जो लैब का हेड था वो सीरम लेके सुप्रीम के पास गया, दैट इज कमल हुसैन। कमल हुसैन ने सुप्रीम का रोल प्ले किया है। तो वो लैब का जो हेड था उसने उस सीरम के जगह उसमें जहर डाल रखा था ताकि सुप्रीम उसे इंजेक्ट करे और वो मर जाए। और सुप्रीम ने इंजेक्ट करा भी, बस वो बच गया। एंड उसने बोला उसको कि आज बहुत दिनों बाद उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद वो वही लैब हेड को मार देता है। उसके बाद मूवी प्रभास की स्टोरी की तरफ चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसके पापा किसी वॉर में मर गए थे। फिर जो उसका कैप्टन था वो उसको बेचने के लिए कॉम्प्लेक्स में ले जा रहा था, लेकिन प्रभास ने उसे बेच दिया। सो यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत स्मार्टनेस दिखाई गई। उसके बाद दिशा पटानी की एंट्री हुई, जो कि रॉक्सी का रोल प्ले कर रही थी। भैरवा से प्यार करती थी, तो उसको कॉम्प्लेक्स में एक जॉब लग गई थी। भैरवा ने रिक्वेस्ट किया दिशा से कि मुझे भी एज अ टेम्पररी वर्कर ले चलो अपने साथ में। तो फिर उन दोनों की एंट्री कॉम्प्लेक्स में हो जाती है, बट वो वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। बेफिजूल हरकतों की वजह से उसे बाहर फेंक दिया गया कॉम्प्लेक्स से वापस। इस मूवी में दीपिका जो है वो सुमति का रोल प्ले कर रही है, जिसके अंदर कल्कि भगवान का अवतार जन्म लेने वाले हैं। दीपिका दैट इज सुमति ने 150 दिन क्रॉस कर लिए थे, बट वो सबसे छुपा रही थी। बट उसके साथ जो एक और वर्कर थी उसे ये बात पता लग गया, तो उसने बोला कि भाई ये बात तुम कब तक छिपा पाओगी, और अगर तुमने बता दिया तो तुम इस कॉम्प्लेक्स में रानी की तरह रहोगी वगैरह वगैरह। दीपिका ने बोला नहीं, कि मैं नहीं बताना चाहती, मैं इस बच्चे को सेव करना चाहती हूँ। फिर एट लास्ट कॉम्प्लेक्स में पता तो लग ही गया कि भाई दीपिका ने 150 डेज क्रॉस किए हैं। तो फिर उसको भी उसी ट्रायंगुलर्स में ले जाया गया सीरम एक्सट्रैक्ट करने। तो वहां पे बस एक ही ड्रॉप एक्सट्रैक्ट हो पाई और मशीन वशीन सब खराब हो गई थी पता नहीं अचानक। तो फिर दीपिका ने बहुत कोशिश किया अपने आप को बचाने का। फिर वो जो वर्कर थी जिसको साथ में पता था दीपिका के बारे में, तो उसने दीपिका को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने में हेल्प करी एंड वो वहीं पे रह गई। संबाला की जो एक बच्ची थी वो लड़का बन के रह रही थी ताकि कॉम्प्लेक्स का कोई भी बंदा उसे ना पकड़ पाए, उसे ना ढूंढ पाए। और उसके पीछे रोबोट्स पड़े हुए थे, तो वो बचते बचाते एक शिव मंदिर में जा गिरी, जो कि एक अंडरग्राउंड मंदिर था। और वहीं पे एंट्री होती है अश्वत्थामा की, दैट इज अमिताभ बच्चन। तो अश्वत्थामा ने उस बच्ची को बचा लिया। तब तक तो दीपिका बाहर निकल चुकी थी, तो वो मनी जो उस बच्ची के पास थी
वो चमकने लगी। तो अश्वत्थामा को रियलाइज हो गया कि हाँ टाइम आ गया है कल की अवतार का। उसने वो मनी अपने अंदर फिर से दोबारा इंसर्ट करी। उसके चेहरे पर अब कोई चोट वोट का निशान नहीं था। संभाला के कुछ लोग दीपिका को वहां से बचा के ले गए जब वो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई थी। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स के लोगों को ये बात पता चली कि दीपिका बाहर निकल चुकी है, तो उन्होंने बोला कि जो भी सुमति को वापस लेकर आएगा उसको हम 1 मिलियन यूनिट्स देंगे। एंड कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए भी 1 मिलियन यूनिट्स की ही जरूरत थी, जो कि भैरवा कर ड्रीम था कि भाई मेरे को 1 मिलियन यूनिट्स लेके कॉम्प्लेक्स में एंट्री चाहिए। तो प्रभास दैट इज वैरवा को ये अच्छा मौका लगा, तो वो भी सुमति के पीछे पड़ गया। पर तभी अश्वत्थामा उस बच्चे के साथ आता है, वो सुमति को बचा लेता है। वहां पे भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट देखने को मिलती है और अश्वत्थामा उन्हें हरा देते हैं। वो लोग सुमति को लेके संभाला चले गए। इसी फाइट के दौरान दीपिका जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी में वो ट्रैकर लगा देते हैं कॉम्प्लेक्स के लोग, ताकि जब ये संभाला जाए तो उन्हें भी पता लग पाए कि ये संभाला आखिर है कहाँ। संभाला में उनकी एंट्री होते ही बारिश हो जाती है। फिर सबको रियलाइज होने लगता है कि हाँ कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब कुछ तो सिग्निफिकेंस है इस बात का कि इसके पैर पड़ते ही बारिश शुरू हो गई है और वहां पे 2 पत्ते भी खिल जाते हैं जो पेड़ सूखा हुआ था उस। तो ये सब सिग्निफिकेंस करता है कि हाँ आप कल की अवतार लेंगे। भैरवा को कॉम्प्लेक्स के लोगों ने बैन कर दिया था कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से सुमति निकल गई, बट भैरवा ने उन्हें रियलाइज करवाया कि आपके लोग तो उनसे लड़ भी नहीं पाए अश्वत्थामा से, एक मैं ही था जो कम से कम खड़ा तो था, तो मैं ही सिर्फ उस सुमति को वापस भी ला सकता हूँ। तो उन्होंने उसकी डील एक्सेप्ट करी और उसे बोला कि अगर तुम सुमति को वापस ले आओगे तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स में अगेन हम एंट्री दिलवा देंगे। उसके बाद फिर से अश्वत्थामा और उस बच्ची का कन्वर्सेशन दिखाया गया, जिसमें वो बच्ची पूछ रही थी कि महाभारत युद्ध में तो सबसे ज्यादा पावरफुल आप ही होंगे। तो अश्वत्थामा ने उसे बताया कि नहीं, उससे भी ज्यादा एक पावरफुल योद्धा थे अर्जुन, एंड उनसे भी ज्यादा एक पावरफुल योद्धा थे कर्ण, जिनका अस्त्र अभी मेरे पास है बट वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ कर्ण ही यूज कर सकते थे। उधर भैरवा कमबैक के लिए रेडी था कि इस बार तो सुमति को लेके ही जाऊंगा। वो अपनी बुज्जी को ठीक वापस से ठीक करके संभाला के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे फिर से हमें अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट देखने को मिलती है। फिर भैरवा जो है वो अपने आप को अश्वत्थामा के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और फिर दो दो अश्वत्थामा की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें ऑफ कोर्स रियल अश्वत्थामा ही जीतते हैं और भैरवा का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। भैरवा दीपिका को ले जाने की पूरी कोशिश करता है, बस अश्वत्थामा उसे बचा लेते हैं। यहाँ की जो एक फाइट सिक्वेंस है, बहुत जबरदस्त फाइट सीन थी यहाँ पे, क्योंकि इस फाइट में भैरवा भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो अश्वत्थामा के पास पूरी पावर थी। भैरवा के साथ साथ मानस ने भी संभाला पर हमला कर दिया था विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रैकर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बाकी संभाला के सारे लोग मतलब यूनाइटेड थे कि हम तुम्हें सुमति तक तो पहुंचने नहीं ही देंगे। मानस जो है वो संभाला के लोगों से फाइट कर रहा था और वैरवा अश्वत्थामा से फाइट कर रहा था। फिर जो वहाँ की जो हेड थी मरियम, वो मानस से फाइट करने के लिए चली जाती है और दीपिका को ऑर्डर देती है कि तुम एक सेफ जगह चली जाओ, मैं तब तक मानस से लड़ती हूँ। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच दीपिका नीचे गिर जाती है बहुत बड़ी हाइट से। तो अश्वत्थामा उसे बचाने के लिए आते हैं बट एट लास्ट उन दोनों का हाथ छूट जाता है। तभी भैरवा आके उसे बचा लेता है, जो कि एक और ट्विस्ट देने वाला पॉइंट था, क्योंकि वो दोनों अपने अपने रीजन की वजह से सुमति को बचा रहे थे। भैरवा ने दीपिका का हाथ पकड़ा हुआ था और अश्वत्थामा ने भैरवा का पैर पकड़ा हुआ था। तो फिर वो अश्वत्थामा उन दोनों को ऊपर खींच देता है। तभी जो कॉम्प्लेक्स का जो कमांडर था मानस, उसने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और वो सुमति को ले जाने लगा कॉम्प्लेक्स में। तभी संबाला में जो 2 पत्ते खिले थे उसमें से एक पत्ता टूटकर प्रभास यानी हमारे भैरवा के हाथों में आ जाता है और कर्ण का जो अस्त्र था वो यूज कर पा रहा था। दैट सिंबलाइजेस कि भैरवा ही कर्ण था एंड इट वाज द मेन 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 ट्विस्ट ऑफ द मूवी। एक सेकंड भी आप अपनी आंखों को इधर से उधर नहीं कर सकते थे, एकदम टिका के रख रहे थे। देन तभी अश्वत्थामा भी उसे देख रहा था कि कैसे वो कर्ण का अस्त्र यूज कर पा रहा है एंड उसको भी रियलाइज हो गया कि ये भैरवा और कोई नहीं कर्ण ही है। ये सब देखकर अश्वत्थामा बहुत ही खुश हो रहे थे, स्माइल ले रहे थे और उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था कि वो कर्ण को देख रहे हैं। तो वो जो भैरवा था वो मानस को किल करने में सक्सेसफुल हो गया और उसने दीपिका को बचा तो लिया बट भैरवा जब कर्ण को जब सिंबलाइज कर रहे थे तो वो अनकॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर निकला, तो उसे रियलाइज भी नहीं था कि वो कर्ण था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तो फिर जब उन्होंने सुमति को देखा कि भाई मैंने तो सुमति को पकड़ा हुआ है, तो वो उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाने लगे और अश्वत्थामा उस वक्त तक बंदी बने हुए थे जो कि मानस ने बना रखा था उनको। तो अश्वत्थामा भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए, भैरवा सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए निकल चुका था और अश्वत्थामा अभी भी बंदी बने हुए थे। यहाँ पर अश्वत्थामा भैरवा और सुमति का पार्ट एंड हो जाता है। द लास्ट सीन
उसमें कली को दिखाते हैं, डेट इज सुप्रीम, डेट इज कमल हसन को दिखाते हैं। उसने जो एक बूंद वो सीरम एक्सट्रैक्ट हुई थी वो उसने अपने बॉडी में इंजेक्ट करी, इंजेक्ट करते ही वो बिल्कुल हेल्दी बन गया। और उसने बोला तब वो दीपिका खुद ही ढूंढेगा, सुमति को खुद ही ढूंढेगा और उस बच्चे को भी। एंड यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है, डेट सेट। अब हमें बस पार्ट टू का वेट है कि पार्ट टू में क्या होता है, क्या भैरव पास सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाएगा या रास्ते में ही उसे कुछ रियलाइज हो जाए कि वो कर्ण है और वो रुक जाएगा। कली का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगले पार्ट टू में, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है पार्ट टू। ओवरऑल ये मूवी द बेस्ट है, मतलब सुपर से भी ऊपर लेवल का मूवी है। आपको ये अपने फैमिली के साथ जरूर 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 देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी फोन बंद करो और जाके देख के आओ। और उससे पहले नीचे कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा इस मूवी का। एंड मेरे लिए तो द बेस्ट पार्ट था जब प्रभास को कर्ण के रूप में दिखाया गया। बाकी आप अपना बताना, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।